नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं जीएस हैरी क्रिकेट न्यूज। रेलवे स्टेडियम के गुलमोहर पार्क में फाइनल मैच के दौरान देश भर के खिलाड़ी यहां पहुंचे। उन्हीं में बंगाल के वरिष्ठ खिलाड़ी प्रभास सेन गुप्ता जी और उनके साथ राजगोपालन जी भी मौजूद रहे। 100 बॉल के इस टूर्नामेंट के बारे में पत्रकार जीएस हैरी ने इन मेहमानों से बात की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जीएस हैरी क्रिकेट न्यूज चैनल से दिल्ली से आज मैं कोलकाता के रेलवे स्टेडियम के अंदर गुलमोहर पार्क, जिसका नाम है, बहुत हरा भरा ग्राउंड, देख रहे हो किस तरह से मैच चल रहा है, रंग बिरंगे कपड़ों में देखिए चारों तरफ। और ये मैच जो है अपनी छठा बिखेर रहा है, ये फाइनल मैच चल रहा है। फाइनल से पहले एक थर्ड और फोर्थ प्लेस का मैच खेला गया और इसके अंदर ये बताया गया कि हमें जितने हमारे क्रिकेटर यहाँ पहुँचे, पूरे देश से क्रिकेटर आए, उनमें से हमारे सामने खड़े हैं एक हमारे बंगाल के वरिष्ठ क्रिकेटर हैं जिनका नाम प्रभास सेन गुप्ता जी हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। साथ में राजगोपालन जी हैं जो हमारे भिलाई से हैं और स्पेशल यहाँ पर आए, और हम दिल्ली से। इधर 100 बॉल्स, 50 प्लस लीजेंड्स हैं सब की। ये जो लॉयड प्रेजेंट्स आप पीछे बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड के अंदर पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ये ऐसा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जो कि इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ है और इंग्लैंड से चलता हुआ और 100 बॉल्स का जो टूर्नामेंट कंसेप्ट है, ये हमारे डॉक्टर मनोज खन्ना कलकत्ता में लेकर आए थे। कलकत्ता शहर एक ऐसा शहर है जो जिसमें एक हिस्टोरिकल प्लेस कह सकते हो, यहाँ की हिस्ट्री, सबसे पहले मुग़ल, चाहे सबसे पहले हमारे ब्रिटिश, ये सब यहीं आए हैं। साहित्यकार भी यहाँ पर बहुत हुए हैं, संगीतकार भी यहाँ बहुत हुए हैं, तो उनमें से क्रिकेटर भी बहुत हुए हैं। हमारे यहाँ दादाजी के नाम से अगर हम बात करें, सौरव गांगुली जी का नाम भी इसी में मशहूर है जो कि हिंदुस्तान के कप्तान रहे और उन्होंने विनिंग शॉट्स लगा कर विनिंग टीम बनाकर अपने देश का नाम रोशन किया। और उनमें से अब मैं बात करने चल रहा हूँ 100 बॉल्स का। 100 बॉल कॉन्सेप्ट डिफरेंट है और उसके बीच में आज जो पहले थर्ड और फोर्थ प्लेस के लिए खेला गया मैच, उसके अंदर राजगोपालन जिन्हें एक बेहतरीन सेंचुरी लगाई और 100 बॉल की गेम में सेंचुरी लगाना अपने आप में एक महारत हासिल करना होता है, अपना नाम रोशन करना होता है। और किस तरह से 2020 से भी फास्ट क्रिकेट है ये, तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ, सर आप यहाँ पहुँचे हैं हमारे कलकत्ता शहर के अंदर, आपको पहले तो ग्राउंड के बारे में थोड़ा विवरण दें और आपने कितना क्रिकेट खेला है और आपका अपना परिचय क्या है, थोड़ा सा आप विवरण दें। ये ग्राउंड तो बहुत ही सूटेबल ग्राउंड है T20 या 100 बॉल्स क्रिकेट के हिसाब से, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और लश आउटफील्ड है, हम वेटरन्स से खेलने के लिए सॉफ्ट आउटफील्ड है, विकेट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कंपटीशन है और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे बुलाया गया, टीम में सेलेक्ट किया गया, बुलाया गया यहाँ खेलने के लिए, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ खेलने का। पिछले 2-3 दिनों में बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और एज ए वेटरन ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम पुराने बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स जिनके साथ हम जब हम खेलते थे तो हम सेंट्रल जोन में ही अपना रणजी ट्रॉफी मैचेस ख़त्म हो जाता था, हम कभी ईस्ट में खेलने का मौका नहीं मिलता था। पर अभी वेटरन क्रिकेट में ऐसा हुआ कि ईस्ट के बहुत सारे प्लेयर्स, अच्छे अच्छे प्लेयर्स, नॉर्थ के प्लेयर्स, साउथ के प्लेयर्स सारे खेल रहे हैं, सारों से मिलने का मौका मिलता है, साथ में खेलने का मौका मिलता है, बहुत अच्छी बात है। तो जो 100 बॉल्स का जो ये कंसेप्ट है, आप यहाँ पर वो किस तरह से आपने सुना और क्यों आए, आप क्या सोच कर आए हो? हम जब एक्टिव क्रिकेट खेलते थे तब 40 ओवर्स मैच होता था, 50 ओवर्स मैच होता था, 45 ओवर्स मैच होता था, बट ये जो कुछ समय से जो 2020 कॉन्सेप्ट आया है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ वर्ल्ड ओवर, क्रिकेट उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा, लोगों का क्राउड बढ़ा उसमें इस मैचेस को देखने के लिए, उसका एक और थोड़ा डिफर करके 100 बॉल्स फॉर्मेट है और ये बेसिकली इंग्लैंड में इसको लाया गया था, उसके बाद इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला टूर्नामेंट हो रहा है जो 100 बॉल्स को हो रहा है। इसमें कुछ रूल्स में थोड़ा डिफरेंट रूल्स हैं, बॉल 5 ओवर का एक बॉल का सेट होता है, सब 2-3 रूल्स है जो डिफर करते हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा फास्ट है। ये पीछे जो लिखा है लीजेंड्स, नाम रखा गया है 50 प्लस लीजेंड्स, अभी हमारे हिंदुस्तान में जो लीजेंड्स का जो पर्दापण हुआ है,
वो जो 50 प्लस से नीचे के खिलाड़ी हैं लगभग, जो सचिन कह लीजिए, गांगुली कह लीजिए, कुछ भी ऐसे नामी ग्रामी खिलाड़ी हैं जितने भी हैं, हरभजन सिंह भी खेल रहे हैं उसमें, और चाहे तो युवराज भी खेल सकते हैं उसमें, कई और खिलाड़ी परिंदर रवाना भी खेल रहे हैं, अभी देखा भी चल लीजेंड्स के मैच चल रहे थे, तो 50 प्लस का जो लीजेंड है वो ये लोग ही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आ रहा है अभी कि वो एक इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त किए हुए खिलाड़ी हैं, इंडियन क्रिकेटर्स हैं, मैनी मैनी मैचेस खेल रखे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क है। और अपने आप में इन्होंने जो गेम आज दिखाई, आपने क्या सोचा था कि आज सेंचुरी लगेगी, जो आपने सेंचुरी लगाई है? नहीं, ऐसे तो कुछ प्लानिंग नहीं था, ये था कि जितने देर भी रहें रन स्कोर करते रहें, स्कोर बोर्ड को मूव करते रहें आगे, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ऐसा लगने लगा कि हाँ चलो 50 रन बन जाएंगे, उसके बाद ऐसा लगा कि 100 भी बन सकता है, जो ओवर बहुत सारे हैं करके, तो धीरे एक स्टेप वाइज एक ओवर दो दो ओवर के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि हो सकता है कि ये टारगेट अचीव हो जाएगा 100 रन बनाने का। आगे आने वाला एक 45 प्लस रजिस्टर्ड का टूर्नामेंट होने जा रहा है पंचगनी में, क्या आप चाहेंगे कि आप अपनी टीम लाएँ या आप एज ए प्लेयर आएँ? देखिए, हम जनवरी के अंदर कोशिश करेंगे कि टीम तो मुश्किल है, वहाँ इतने सारे प्लेयर्स होते नहीं हमारे यहाँ, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे 4-5 प्लेयर्स पंचगनी आए, उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें और उस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाएं। तो जब से आप कह रहे हैं क्रिकेट, जो आपने जिन्हें अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, अपना रणजी ट्रॉफी लेवल खेला, उसके बाद आपने सर्विस भी की है, अब उसके बाद आप कितनी आपकी सर्विस रहेगी और कितना आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं? क्रिकेट तो जब तक शरीर साथ दे तब तक खेलना चाहते हैं, जब ऐसा लगेगा कि अब शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है तो उस समय बंद करना पड़ेगा। कोशिश ये रहेगी कि 60 प्लस में भी हम क्रिकेट खेलते रहें। 60 प्लस का वर्ल्ड कप होता है, हम वेटरन क्रिकेट हमने एसोसिएशन तैयार की है, जो कि हमारी वेटरन क्रिकेट हमारी जो ग्लोबल से बनी है, इंग्लैंड से बनी है, तो वहाँ से वर्ल्ड कप भी होता है, बट वो सभी सब चीज़ें जो हैं सेल्फ स्पॉन्सर की तरह चल रही हैं, इसको धीरे धीरे क्या डेवलपमेंट होती है क्या नहीं होती है ये तो बाद की बात है, कौन सी कंपनी इसमें इन्वॉल्व होती हैं ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है। जब कोई नई चीज़ पैदा होती है, आफ्टर कोरोना, ये 2018 में तो स्टार्ट हुआ था बट उसके बाद कोरोना आया, कोरोना के बाद इसको एस्टेब्लिश करते करते 2020 के लास्ट या 21 से शुरू हुआ दोबारा, जिसकी वजह से आज 3 साल हो गए, 2023 चल रहा है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट इतनी हो रही है कि आए हर 2-3 महीने बाद एक वेटरन टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है, ताकि इम्यूनिटी पावर जो हमारी कम हुई है उसको फिर वापस लेके आए ग्राउंड से, ताकि स्पोर्ट्स जो है आपको जोड़ता भी है, जो हमारी मानसिक स्थिति खराब हुई थी उसको भी डेवलप करने के लिए बहुत कामयाब हो रहा है ये वेटरन क्रिकेट हमारा। तो मेरे साथ प्रभात सेन जी भी है, खड़े हैं, आज ये भी इनसे मुलाकात हुई है, और ये बंगाल के ऐसे नामी ग्रामी क्रिकेटर उड़ीसा के भी रहे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं साथ साथ ही। तो प्रभात जी, आप ये बताइए, आज आप इस ग्राउंड पर, रेलवे आपका होम ग्राउंड ही है वैसे तो, आप कलकत्ता निवासी हैं? देखिए, मैं कलकत्ता का अभी निवासी हूँ, लेकिन इससे पहले मैं उड़ीसा में था, बड़ौदा में था, दिल्ली में खेला, सब जगह खेला हूँ, लेकिन कलकत्ता में बहुत कम ही खेला था। सॉरी, एक कार्ड।